ऐसा परिवार जहां दो बेटियां आईएएस, दो आईआरएस और एक आईपीएस ऑफिसर है। आइए जानते हैं इनकी कहानी, लेकिन इससे पहले इन सभी बेटियों के लिए एक लाइक तो बनता ही है। यूपीएससी के इम्तिहान को अपने आप में सबसे कठिन और कड़ा इम्तिहान माना जाता है। असंभव को संभव बनाने के लिए एक न एक दिन शुरुआत तो करनी ही पड़ती है ना? जी हाँ, और जब उसे सफलता मिलती है तो वही शख्स आने वाली पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का कारण बनते हैं। आज हम एक छोटे से कस्बे की रहने वाली यूपीएससी टॉपर की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे परिवार के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस परिवार में 5 बेटियों में से 2 बेटी आईएएस, 1 बेटी आईआरएस और 2 बेटी ग्राफिक इंजीनियर हैं। जिन बेटियों को लेकर समाज ताने मारा करता था, वही बेटियां आज उस घर का गौरव बन चुकी हैं। ये परिवार है उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के फरीदपुर तहसील के नबदिया अशोक गांव का। इस परिवार के मुखिया नबदिया अशोक के चंद्र सेन सागर और उनकी पत्नी मीना देवी के घर में सन 1981 में उनकी पहली बेटी का जन्म हुआ, जिसका नाम उन लोगों ने अर्जित सागर रखा। उसके बाद बेटे की चाहत में लगातार 4 बेटियां हो गईं। आपको बता दें कि 5-5 बेटियों के बाद उनके घर में 1 बेटे का जन्म हुआ। चंद्र सेन सागर और उनकी पत्नी मीना को लेकर समाज के लोग हर वक्त यही कहते थे कि बेटियों को इतना पढ़ाने की क्या जरूरत है और कौन सा इन्हें पढ़ा लिखा कर आईएएस ही बना दोगे। लेकिन उन लोगों ने इन सारी बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया। लेकिन चंद्रसेन सागर के 5 बेटियों के लिए वही ताने वरदान साबित हुए और सच में उनकी 3 बेटियों ने यूपीएससी जैसी कठिन परीक्षा में सफलता हासिल की और 2 बेटियां इंजीनियर बन गईं। खास बात यह है कि 5 बेटियां अपनी अपनी जिंदगी में सफलता की ऊंचाइयों पर हैं। इनके घर में दामाद को मिलाकर परिवार में 2 आईएएस, 2 आईआरएस और 1 आईपीएस ऑफिसर है। चंद्रसेन सागर का परिवार यूपी का पहला ऐसा परिवार है जिनके 3-3 बेटियों ने यूपीएससी परीक्षा में सफलता पाई है। इन बेटियों की सफलता के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।